वेलकम बैक स्टूडेंट्स सो इन दीरीज ऑफ़ सेट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट दैट विल बी हाउ वी कैन रिप्रजेंट इंटरवल ऑफ रियल नंबर एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर सो बेसिकली यहाँ पर आपका जो हमने कैपिटल आर रिप्रजेंट किया है दैट इज़ रिप्रजेंटिंग सेट ऑफ़ रियल नंबर्स क्लियर सो प्रीवियस वीडियोज में हमने डिफाइन किया था वाट इज़ सेट सेट का डेफिनेशन क्या होता है सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के कितने टाइप्स होते हैं सो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसेट को भी डिफाइन करा था सुपर सेट को डिफ़ाइन करा था फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट इक्वल सेट्स इक्वलेंट सेट्स ये सारी कैटेगरी हमने डिफ़ाइन करी थी बेसिकली टुडे आज हम जो टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को हम फर्दर जो हमारे चैप्टर्स होंगे उसमें यूटिलाइज़ करेंगे और ट्वेल्थ क्लास में भी इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियरली कंसीडर करेंगे जिससे हम इसको आगे अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ सो बेसिकली वट वी आर डिफाइनिंग बेसिकली वी कंसिडर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल्स एंड ऑल दीज इंटरवल्स डिपेंड्स ऑन देयर पर्टिकुलर नोटेशन सो जो आपके यहाँ पर इंटरवल होते हैं किसी भी इंटरवल को हम रियल नंबर का जो सबसेट रिप्रेजेंट करेंगे दीज आर ऑफ फोर टाइप्स सबसे पहले इसमें आपका होता है ओपन इंटरवल तो ओपन इंटरवल की प्रॉपर्टी क्या होगी हम यहाँ पर कोई भी टू रियल नंबर कंसिडर करेंगे और उन दोनों रियल नंबर के बीच में हम जब सारे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और जब हम इन दोनों नंबर को यू इंक्लूड नहीं करेंगे तो इस टाइप का जो सेट फॉर्म होगा दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ ओपन इंटरवल तो ओपन इंटरवल को हम कैसे डिफाइन करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में आपके जितने भी रियल नंबर्स आएंगे उन सब का अगर हम एक सेट बना देंगे सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ ओपन इंटरवल तो ओपन इंटरवल का नोटेशन यहाँ पर क्या होगा जो दो नंबर हम यहाँ पर ले रहे हैं जिसके बीच में हम यहाँ पर इंटरवल डिफ़ाइन कर रहे हैं उन दोनों नंबर को हम मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम यहाँ पर पैरेंथैसिस से एनक्लोज कर देंगे इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस या फिर आपका जो यहाँ पर ब्रैकेट होता है उल्टा ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा देंगे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज हम यहाँ पर ओपन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम इसको राइट right फॉर्म में लगाएंगे ब्रैकेट के फॉर्म में लगाएंगे दैट विल बी क्लोज यहाँ पर हमने इसको उल्टा कर दिया सो दैट इज़ ओपन इंटरवल इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिटवीन ए एंड बी एक्स आपका ए से ग्रेटर होगा बी से स्मॉलर होगा बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉर दिस इंटरवल कि हम यहाँ पर जो सेट यूज़ करेंगे उसमें हमारा ना तो नंबर ए यूज होगा ना बी यूज़ होगा ऐसे सारे नंबर यूज़ होंगे जो आपके ए से ग्रेटर होंगे बी से स्मॉलर होंगे क्लियर क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वलिटी साइन नहीं लगाया है क्लियर सो दस डिस वन इज द ओपन इंटरवल सो वैन वी रिप्रेजेंट दिस वन ऑन रियल नंबर नंबर लाइन पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सो so हमने यहाँ पर इस रियल नंबर लाइन पर हमने टू नंबर डिफाइन किए हैं ए एंड बी क्लियर एंड ए और बी को हमने यहाँ पर एक डार्क इन लाइन से कनेक्ट किया है मीन्स हम यहाँ पर ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे रियल नंबर उन सबको हम इस सेट में डिफ़ाइन करेंगे क्लियर इंटरवल यहाँ पर होगा आपका ए बी पैरेंथैसे इनक्लोज किया और जो आपका सेट होगा दैट विल डिफाइंड इन सेट बिल्डर फॉर्म तो यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पर हमने जो बबल यूज़ किए हैं देश आर होलो बबल यहाँ पर ये यह जो आपके बबल हैं ये होलो बबल हैं तो होलो बबल का मीनिंग हम यहाँ पर जो नंबर डिफाइन कर रहे हैं वो नंबर आपका यहाँ पर इस इंटरवल में या फिर इस सेट में इंक्लूड नहीं होगा सो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में क्या होगा यहाँ पर हम एक ऐसे सेट को डिफाइन करेंगे जिसमें हम सारे रियल नंबर को कंसिडर करेंगे बिटवीन ए एंड बी और साथ के साथ हम यहाँ पर ए और बी को भी यूज़ करेंगे सो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी हम यहाँ पर जो इंटरवल डिफाइन करने वाले हैं उस इंटरवल में ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे कंसिडर होंगे और इसमें आपका ए और बी भी इंक्लूड होगा तो इसका नोटेशन कैसे होगा हम यहाँ पर ए और बी को ब्रैकेट से एनक्लोज कर देंगे ओपन इंटरवल में पैरेंथैसिस से एनक्लोज किया था क्लोज इंटरवल में हम इनको ब्रैकेट से एनक्लोज कर देंगे सो दिस वन इज द नोटेशन ऑफ क्लोज इंटरवल और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी सो हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी व्हाट इट मीन्स एक्स आपका यहाँ पर ए के बी के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा साथ के साथ हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी भी यूटिलाइज कर सकते हैं इस क्लोज इंटरवल में या इसका जो आपका सेट विल्डर फॉर्म है रियल नंबर लाइन पर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमने नंबर लाइन पर यहाँ पर दो नंबर डिफाइन कर दिए हैं नंबर ए रियल नंबर ए एंड रियल नंबर बी तो ए और बी से हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे सो दिस इज़ द नंबर लाइन नोटेशन नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज इंटरवल और साथ के साथ हमने यहाँ पर ए और बी के लिए जो बबल यूज़ किया है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें जो आपका यहाँ पर ये यह बबल है ये डार्क इन बबल है यह आपका बबल डार्क ब्लैक हो रहा है इट मीन आपका यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह क्लोज इंटरवल का आपका लिमिट है लोअर लिमिट क्लोज इंटरवल का अपर लिमिट और यहां पर ए और बी का वैल्यू भी इस इंटरवल में कंसीडर होगा इंक्लूड किया जाएगा सो दिस इज द क्लोज इंटरवल तो अगर हम यहां पर बात करें इनके नोटेशन की हम यहाँ पर इसको सिम्बोलिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो यहां पर मीनिंग क्या होता है जैसे हमने यहाँ पर ये यह पैरेंथैसिस बना दिया तो पैरेंथेसिस के लिए आपका यहाँ पर बबल क्या यूज़ होगा हॉलो बबल क्लियर और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम यहाँ पर जब सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर आपका ये जो सिंबल होगा यहाँ पर इक्वलिटी यूज़ नहीं होगी ईधर लेस देन और ग्रेटर देन के लिए तो ये आपका यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ आपकी आपस में इंटरकनेक्ट होंगी ये सारे सिंबल इंटरकनेक्ट होंगे सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रैकेट की ये आपका पैरेंथेसिस सिंबल अगर हम सेट को रिप्रेजेंट इंटरवल uh, को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज कर रहा है ये ब्रैकेट का सिंबल है तो ऑब्वियसली जब हम इसके लिए नंबर लाइन पर बबल रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका जो बबल होगा दैट विल बी डार्क इन ऑलवेज रिमेंबर अगर आपका इंटरवल में ये सिंबल यूज़ हुआ है तो नंबर लाइन पर आपका जो बबल होगा वो डार्क इन होगा और जो आप सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर इक्वलिटी जो आप साइन यूज़ करेंगे ग्रेटर देन स्मॉलर का उसके साथ अगर आपका ये बबल है और ये साइन है तो यहाँ पर आपका इक्वलिटी साइन ज़रूर यूज़ होगा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग क्लियर जैसे हमने यहाँ पर ये वाला कंडीशन यूज़ किया क्लोज ब्रैकेट के लिए तो यहाँ पर आपके बबल क्या हो जाएंगे दोनों डार्क इन बबल होंगे और दोनों ही साइड आपका इक्वलिटी साइन ज़रूर आएगा तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम इन चीज़ों को याद रखेंगे इससे हम बहुत ही अच्छे तरीके से इन इंटरवल को डिफाइन कर सकते हैं सो नेक्स्ट वन इज़ राइट हाफ ओपन इंटरवल तो राइट हाफ ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या है यहाँ पर देखिए राइट हाफ ओपन इंटरवल मींस आधा इंटरवल आपका यहाँ पर ओपन होगा आधा क्लोज होगा ओपन कौन सा होगा राइट हाफ मींस राइट साइड जो हमारा इंटरवल का पार्ट होगा वो ओपन रहेगा तो यहां पर अगर हम इंटरवल को डिफाइन करेंगे राइट हाफ ये आपका राइट हाफ है देखिए यह आपका ओपन right और ये क्लोज है हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लेफ्ट हाफ क्लोज या राइट हाफ ओपन दोनों का मीनिंग सेम ही होगा या तो हम इसको बोल दें लेफ्ट हाफ क्लोज या फिर राइट हाफ ओपन दोनों का मीनिंग सेम है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यहाँ पर हम ऐसे नंबर ऐसे रियल नंबर का सेट लेने वाले हैं जिसमें आपका ए और बी के बीच में सारे नंबर तो यूज़ होंगे साथ के साथ यहाँ पर ए भी इंक्लूड होगा क्यों इंक्लूड होगा ये क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रैकेट साइन है ब्रैकेट साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये नंबर इंटरवल में इंक्लूड होगा यहाँ पर आपका पैरेंथेसिस है इट मीन्स ये जो नंबर लिखा हुआ है ये आपका इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा तो हम जब इसका सेट विल्डर फॉर्म डिफाइन करेंगे सो इट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ग्रेटर देन ए और ए इंक्लूड होगा तो इक्वालिटी साइन यहाँ पर आ गया लेस देन बी बी इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ पर इक्वालिटी साइन नहीं आएगा तो ये इसका सेट विल्डर फॉर्म हो गया अगर रियल नंबर लाइन नंबर लाइन पर नोटेशन की बात करेंगे तो ए इंक्लूड हो रहा है तो ए पर आपका डार्क एन बबल आएगा डार्क बबल आएगा और बी आपका यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रहा है तो बी पर आपका हॉलो बबल आएगा क्लियर नेक्स्ट वन इज लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल सो इन लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल वट विल बी द कंडीशन बेसिक कंडीशन इज दैट कि हम यहाँ पर लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं सो इन लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल बेसिक कंडीशन इज दैट यहाँ पर आपका लेफ्ट हाफ ओपन रहेगा तो अगर लेफ्ट हाफ ओपन है हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे अगर हम इसके नोटेशन की बात करेंगे तो ये यह देखिए यहाँ पर लेफ्ट हाफ मीन्स लेफ्ट साइड आपका यहाँ पर ओपन है तो हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ किया है और राइट right साइड आपका यहाँ पर क्लोज होगा तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ किया है सो दिस वन इज़ द नोटेशन ऑफ लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन और इक्वल टू b तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू b का मीनिंग क्या है यहाँ पर b तो इन b आपका जो x है दैट इज स्मॉलर देन b साथ के साथ यहाँ पर b भी आपका यूटिलाइज होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन है b आपका यहाँ पर इंक्लूड होगा दिस वन इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द इंटरवल लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल और जब हम इसको पर करेंगे तो कोर्स यहाँ पर आपका ए इंक्लूड नहीं हो रहा है तो ए पर आपका हॉलो बबल होगा और बी इंक्लूड हो रहा है तो बी पर आपका डार्क एंड बबल होगा और यहाँ पर हम ए से बी तक एक डार्क लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे तो यहां पर ए से बी के बीच में जितने भी नंबर आएंगे हम इस नंबर लाइन पर उनको रिप्रेजेंट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल सो इस तरीके से हमने यहां पर सारे इंटरवल के लिए आपके इंटरवल के नोटेशन क्या होंगे और इनका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा साथ के साथ हम इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हमने डिफाइन किया तो हम यहाँ पर इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें हो रहा है लेंथ ऑफ इंटरवल व्हाट विल बी द लेंथ आप यहाँ पर जो भी इंटरवल डिफाइन करेंगे उसके लिए आपका लेंथ क्या होगा सो डजेंट मैटर हम यहाँ पर कौन सा इंटरवल यूज़ कर रहे हैं आपका जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा दैट विल बी सेम फॉर ईच इंटरवल मीन्स यहाँ पर आपका लेंथ क्या होगा अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पर भी है और लोअर लिमिट ए है ए और भी आपके कोई भी अर्बिट्रेरी रियल नंबर हो सकते हैं तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा एंड दैट विल बी द लेंथ ऑफ इंटरवल वो जो हम इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं उसका लेंथ कितना है सो दिस इज़ डिफाइंड एज लेंथ ऑफ इंटरवल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है वी हैव गिवन एनी इंटरवल एंड वी कैन बी आस्क्ड हमसे ये पूछा जा सकता है कि उस इंटरवल का आप लेंथ बताइए सो so, अब इन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बाय एग्जाम्पल डिफाइन करेंगे सो so, पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल यहाँ पर हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन कर रखे हैं एज ए सेट हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पर इसको हमें इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है क्लियर सो so, यहाँ पर आपको फर्स्ट जो पार्ट uh, गिवन है दैट इज़ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू सिक्स एक्स आपका यहाँ पर माइनस फोर से बड़ा है लेकिन माइनस फोर इंक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर आपका इक्वलिटी साइन नहीं है और एक्स आपका लेस देन सिक्स है और सिक्स के इक्वल भी है इट मीनस हम इसको इंटरवल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो यहां पर आपका क्या आएगा ये आपका क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा तो यहां पर आपका आएगा साइन ब्रैकेट और यहां पर आपका आएगा पैरेंथेसिस तो यहां पर हमने डिफाइन किया है सिंस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फोर एंड लेस देन और इक्वल टू सिक्स सो सिक्स इज इंक्लूडेड यहाँ पर इक्वल टू भी है सिक्स पर तो सिक्स आप, आपका इंक्लूड होगा और इंटरवल हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर देखिए माइनस फोर पर तो आपका ओपन इंटरवल होगा और सिक्स पर आपका क्लोज इंटरवल होगा सो so, अब यहाँ पर जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल आपका जो लेफ़्ट हाफ़ है हाफ आपका जो लेफ्ट साइड है जो लेफ्ट हाफ पोर्शन है वो आपका ओपन है और राइट right हाफ आपका क्लोज है तो हम इसको यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे

तो यहाँ पर आपका जो इंटरवल हम कंसीडर करने वाले हैं दैट विल बी ओपन इंटरवल मीन्स दोनों साइड आपका इक्वलिटी साइन नहीं है तो हम यहाँ पर ऐसे सभी नंबर लेंगे जो माइनस ट्वेल्व से ग्रेटर होंगे और माइनस टेन से स्मॉलर होंगे ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन माइनस ट्वेल्व एंड माइनस टेन बट माइनस ट्वेल्व और माइनस टेन इंक्लूड नहीं होगा सो इट इज ओपन इंटरवल तो यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में हमने डिफाइन करा है इट इज ओपन इंटरवल माइनस ट्वेल्व टू माइनस टेन ओपन इंटरवल होगा और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे माइनस ट्वेल्व टू माइनस टेन दोनों साइड हमने is, R, यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं थर्ड वन इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन सेवन यहाँ पर देखिए जीरो पर इक्वलिटी साइन है इट मीन्स हम यहाँ पर जो इंटरवल डिफाइन करेंगे उसमें आपका जीरो भी इंक्लूड होगा तो अगर जीरो इंक्लूड हो रहा है इट मीनस ये आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि जीरो आपका इंक्लूड है इक्वलिटी साइन है एक्स लेस देन सेवन यहाँ पर इक्वलिटी साइन नहीं है तो इन दैट केस राइट हैंड साइड में आपका जो इंटरवल का क्लोजिंग होगा दैट विल बी ओपन ये आपका ओपन रहेगा तो हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा जीरो पर तो आपका यहाँ पर क्लोज इंटरवल ब्रैकेट आ रहा है और सेवन पर आपका ओपन इंटरवल यानी कि पैरेंथैसिस आ रहा है इसका नॉमिनेशन क्या होगा दिस इज रिप्रेजेंटेड एज राइट हाफ ओपन राइट ये राइट right साइड है तो राइट right हाफ आपका कैसा है यहाँ पर ओपन क्योंकि ये पैरेंथैसिस से रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका नॉमिनेशन क्या हो जाएगा राइट हाफ ओपन इंटरवल ये आपका हाफ इंटर वाला केस होगा नेक्स्ट वन इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू फोर तो यहां पर देखिए थ्री और फोर दोनों पर ही इक्वेलिटी साइन है इट मीन आपका ये जो इंटरवल होने वाला है दैट विल बी क्लोज फ्रॉम बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड तो ये आपका कौन सा इंटरवल हो जाएगा इट विल बी क्लोज इंटरवल और जब हम इसको इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो थ्री पर भी आपका ब्रैकेट आएगा और फोर पर भी ब्रैकेट आएगा

एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन उसको हमें नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है सो फर्स्ट वन केस वी हैव गिवन देखिए यहाँ पर दोनों साइड पैरंथेसिस है अफकोर्स इट विल बी ओपन इंटरवल और अगर आपका ये ओपन इंटरवल है तो फिर आप जब हम यहाँ पर एक्स का प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे तो एक्स आपका माइनस टू से ग्रेटर होगा थ्री से स्मॉलर होगा बट इक्वलिटी साइन नहीं आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल के केस में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों साइड आपका इक्वलिटी का साइन नहीं होता है क्लियर इसको हम जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे सो माइनस टू से माइनस थ्री तक आपके जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे नंबर यहाँ पर इस सेट में लाई करेंगे या फिर इस इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे और माइनस टू माइनस थ्री को कंसिडर नहीं कर रहे हैं हैंस माइनस टू और माइनस थ्री पर आपका यहाँ पर ओपन बबल हॉलो बबल यूज हो रहा है क्लियर सेकेंड वन इज बी इज इक्वल टू माइनस वन टू एट माइनस वन पर ब्रैकेट है और एट पर आपका पैरेंथेसिस है मीन्स माइनस वन पर आपका क्या आएगा क्लोज और एट पर आपका आएगा ओपन तो ये आपका इसको हम कैसे सेट बोल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस वन क्योंकि माइनस वन पर ब्रैकेट है इट मीन्स ब्रैकेट के मीन्स क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल के केस में हम इक्वलिटी साइन यूज़ करते हैं जिस साइड भी आपका क्लोज रिप्रेजेंट हो रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस वन लेस दैन एट लेस देन एट क्यों क्योंकि यहाँ पर आपका ओपन इंटरवल का सिम्बल है पैरेंथेसिस है तो यहाँ पर हम इक्वलिटी साइन नहीं लगाएंगे क्लियर सो so, दिस वन इज द साइड बिल्डर फॉर्म नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्वलिटी साइन के लिए यहाँ पर आपका डार्क इन बबल आएगा और यहाँ पर आपका ओपन बबल आएगा क्योंकि यहाँ पर आपका ये ओपन इंटरवल कंसीडर हो रहा है थर्ड वन एग्जांपल इज यू गिवेन सी इज इक्वल टू फोर पर पैरेंथेसिस नाइन पर आपका ब्रैकेट है फोर पर पैरेंथेसिस मीन्स फोर साइड लेफ्ट एंड साइड में आपका ये कैसा होगा ओपन और राइट एंड साइड में क्लोज तो ये आपका कौन सा इंटरवल हो जाएगा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स आपका फोर से ग्रेटर है फोर पर आपका ये ओपन है फोर पर ओपन है तो यहाँ पर आपका इक्वलिटी साइन नहीं यूज़ होगा नाइन पर क्लोज है तो नाइन पर इक्वलिटी साइन यूज़ होगा और इसको जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम फेनोमिना सेम स्टेटमेंट को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर पर इक्वलिटी साइन नहीं है तो फोर पर आपका यहाँ पर होलो बबल होगा नाइन पर इक्वलिटी साइन है तो नाइन पर आपका ब्लैक बबल होगा इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे डार्क लाइन से तो इन दोनों के बीच में जितने भी आपके रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे दे विल बी इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल और इन दिस सेट सो नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज वी हैव गिवन है टेन और दोनों साइड आपका ब्रैकेट यूज हो रहा है ब्रैकेट मीन्स आपका क्लोज इंटरवल का सिंबल है तो हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r क्लोज इंटरवल का सिंबल मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में ही इक्वलिटी साइन यहाँ पर यूज होगा सो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू टेन एक्स आपका टेन इसमें आपका फोर भी इंक्लूड होगा टेन भी इंक्लूड होगा और सारे नंबर जो आपके फोर और टेन के बिटवीन एग्जिस्ट करते हैं वो सारे यूटिलाइज होंगे नंबर लाइन पर देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर पर आपका डार्क एंड बबल है टेन पर भी डार्क एंड बबल है और फोर और टेन को हमने यहाँ पर डार्क लाइन से कनेक्ट किया हुआ है सो दिस वन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन ऑफ गिवन इंटरवल और गिवन सेट बिल्डर फॉर्म सो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट बाई विच वी कैन डिफाइन इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट वी आर डिफाइनिंग अलॉन्ग विद दिस पावर सेट तो हमने बहुत सारी कैटेगरी डिफाइन करी थी सेट की दिस वन इज द लास्ट कॉन्सेप्ट पावर सेट सो द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ दैट सेट अगर हमें कोई भी सेट गिवन है लेट वी हैव गिवन सेट ए तो इस सेट ए के लिए हमारे पास जितने भी सबसेट होंगे उन सभी सबसेट का जब हम यहाँ पर सेट फॉर्म कर देंगे तो वो आपका पावर सेट कहलाता है बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी सेट ए है और इस सेट में अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डिफाइन करेंगे तो एक सेट के लिए आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट होते हैं दीज आर गिवन एज फॉर अ सेट हैविंग एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो आपके यहाँ पर अगर सपोज दैट हमारे पास कोई सेट ए है उसमें आपके एम एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाते हैं टू टू दी पावर एम इट मीन्स हमारे पास जो पावर सेट फॉर्म होगा उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे टू टू पावर पावर क्योंकि यहाँ पर पर आपके सबसेट फॉर्म हो रहे हैं तो सपोज हमने कोई सेट लिया है तो पावर सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं सो इफ वी में अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एम

देखिए एग्जांपल आपको क्या गिवन है सो एफ वी हैव गिवन अ सेट इफ सेट ए इज गिवन एज ए इज इक्वल टू वन टू थ्री देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए आल्सो रिप्रेजेंट द पावर सेट तो यहाँ पर हमें जो सेट गिवन है दैट इज हैविंग थ्री एलिमेंट यहाँ पर आपके थ्री एलिमेंट है वन टू थ्री सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दीज आर थ्री तो अगर हम यहाँ पर इसका जो पावर सेट होगा उसके एलिमेंट अगर फाइंड करेंगे सो दैट विल बी टू टू द पावर थ्री बिकॉज टू टू दी पावर एम होता है फॉर्मुला वेयर एम इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट सो टू टू दी पावर थ्री आपका हो जाएगा एट इट मीन्स हम यहाँ पर जो पावर सेट डिफाइन करने वाले हैं उस पावर सेट में टोटल एलिमेंट्स आपके कितने होंगे एट अफकोर्स अगर हम यहाँ पर सेट ए के लिए टोटल सबसेट डिफाइन करेंगे तो टोटल सबसेट आपके क्या हो जाएंगे देखिए पहला सबसेट आपका क्या हो जाएगा हमने यहाँ पर केवल एक एलिमेंट ले लिया उसका सेट बनाया अफकोर्स इट विल बी द सबसेट ऑफ दिस सेट ए सिमिलरली हमने यहाँ पर एलिमेंट टू इंडिविजुअल ले लिया इसका एक सेट फॉर्म करा तो ये भी आपका ए का सबसेट हो जाएगा सिमिलरली हमने यहाँ पर थ्री को एज ए सेपरेट सेट कंसिडर करा एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है दैट इज थ्री तो ये भी आपका सबसेट हो जाएगा अब इसके बाद हमने यहाँ पर टू टू एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में सेट फॉर्म करे तो वन टू टू थ्री वन थ्री यहाँ पर हमने टू अलग अलग एलिमेंट लिए हैं कॉम्बिनेशन लिए हैं तो ये तीनों जो आपके यहाँ पर सेट होंगे ऑल दीज थ्री सेट्स दे ऑल्सो बी द सब सेट ऑफ गिवन सेट ए एंड वन मोर थिंग ये आपका जो सेट ए है ये भी आपका इट्स सेल्फ अपने का सबसेट होगा तो हमने यहाँ पर इसको भी डिफाइन कर दिया एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हमने आपको बताया था कि जो आपका नल सेट होता है या एम्पली एम्पटी सेट होता है या वाइड सेट होता है ये भी आपका किसी भी सेट का सबसेट होगा तो ये आपका ऑलवेज कंसीडर होगा जब हम पावर सेट को डिफाइन करेंगे तो अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पर देखिए आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने हैं हैंट जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करा है सो इट इज़ जस्टिफाइड कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके यहाँ पर टू टू पावर एम होंगे और ये आपका इस पावर सेट के एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया सो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑन पावर सेट एक और एग्जाम्पल हम इस पर कंसिडर करेंगे सो वी हैव गि मोर एग्जाम्पल ऑन पावर सेट वट वी हैव हैव गिवन वी हैवन हेयर ए और इसमें आपके एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हैं एलिमेंट है वन और एक और एलिमेंट है टू थ्री तो यहाँ पर देखिए जो हमने प्रीवियस सेट लिया था उसमें आपके एलिमेंट्स थे वन टू थ्री टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री थे बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ये यह जो आपका टू थ्री का एक सेट है दिस वन इज़ अ सेट विच इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट थ्री कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दिस होल सेट जिसमें आपका एलिमेंट टू और थ्री यूज हो रहा है दिस होल सेट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए ये जो आपका सेट ए है ये सेट ए का एलिमेंट है क्लियर सो so, अब हम यहाँ पर अगर इसका पावर सेट या फिर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे देखिए हमने यहाँ पर पहले सेट को डिफ़ाइन कर दिया है तो यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ऑफ कोर्स यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स थ्री नहीं होंगे टू होंगे देखिए आपका जो प्रीवियस एग्जाम्पल था वो भी आपका कुछ ऐसा ही था लेकिन इसमें चेंज किया है यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट रिड्यूस हो गए क्योंकि यहाँ पर ये यह आपका जो सेट है विच इज़ इंक्लूडिंग एलिमेंट टू एंड थ्री ये आपका यहाँ पर एक एलिमेंट ट्रीट हो रहा है फॉर द सेट ए तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने हो जाएंगे टू बेसिकली यहाँ पर अगर हम एलिमेंट की बात करें एक एलिमेंट होगा आपका यहाँ पर वन और दूसरा एलिमेंट आपका यहाँ पर क्या होगा टू थ्री दीज आर द टू एलिमेंट फॉर द गिवेन सेट एर ये दोनों आपके सेपरेट एलिमेंट हैं सेट ए के लिए तो ये बेसिकली एक सेट तो रिप्रजेंट कर रहा है बट राइट नाउ दिस इज एलिमेंट फॉर सेट ए ये एक ऐसा सेट है जो एक सेट ए के लिए एज ए एलिमेंट यूटिलाइज हो रहा है सो so, अगर हम यहाँ पर सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कंसिडर करेंगे ऑफकोर्स दे विल बी टू तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना हो जाएगा टू टू दी पावर एम दैट विल भी ऑफकोर्स एम का वैल्यू टू है सो टू टू दी पावर टू दैट कम्स आउट फोर इट मीन्स यहाँ पर हम जो पावर सेट फॉर्म करने वाले हैं उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे फोर कैसे डिफाइन करेंगे हम पावर सेट के एलिमेंट्स को तो एक आपका अगर हम इस वन को एज ए सेट कंसिडर करेंगे एक ऐसा सेट जिसमें आपका केवल ये एलिमेंट है Of course, इट विल बी द सबसेट ऑफ द given सेट नेक्स्ट वन इज दिस इज also वन एलिमेंट तो इस एलिमेंट को जब हम एक सेट consider करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने दो बार यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर braces यूज़ करा हमने टू टाइम्स यूज करा दिस वन इज़ फॉर एलिमेंट एंड दिस वन इज़ फॉर सेट ये भी ध्यान रखेंगे कि हम इसको डायरेक्टली पुट नहीं कर देंगे क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली पुट कर दिया तो वो आपका एलिमेंट ट्रीट होगा ट इसको हम बहुत ध्यान से यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर दो बार ब्रेसेस यूज करा है वन ब्रेसेस इज ऑलरेडी गिवन फॉर एलिमेंट एंड एंड ब्रेसेस फॉर द सेट तो टू टाइम्स यहाँ पर ब्रेसेस यूज हुए हैं तो ना अब आपका ये सेट बन जाएगा जो कि आपका इस सेट के लिए सबसेट होगा नेक्स्ट वन आपका यहाँ पर सबसेट क्या होगा इस होल सेट को हम इस सेट ए के लिए एज ए सबसेट यूज कर सकते हैं सो दिस वन इज आल्सो सबसेट ऑफ द गिवन सेट तो ये भी आपका पावर सेट में कंसीडर होगा एंड लास्ट वन इज द एम्पटी सेट तो ये एमपटी सेट भी आपका यहाँ पर इस पावर सेट के लिए एज ए एलिमेंट कंसिडर होगा सो यहाँ पर आपका पावर सेट डिफाइन हो गया ना वन मोर सिचुएसन ना सपोज दैट इफ वी हैव गिवेन दैट इफ वी हैव एनी सेट वी हैव अ सेट 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 ए एंड इफ दिस इज पर आप देख रहे हैं कि ए आपका यहाँ पर क्या गिवन है एम टी सेट तो अगर अगर हमें यहाँ पर इस सेट एम सेट के लिए पावर सेट डिफाइन करना है तो हम यहाँ पर पावर सेट कैसे डिफाइन करेंगे तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ऑफ कोर्स इट इज़ गिवन एज ज़ीरो तो अगर हम पावर सेट के लिए बात करेंगे तो इट मीन्स ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एम का वैल्यू कितना हो गया जीरो सो नाओ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए यहाँ पर आपका जो सेट ए है दैट इज़ एम सेट तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस सेट एम सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे इसको भी हम कैसे डिफाइन करेंगे टू टू दी पावर एम एम का वैल्यू यहाँ पर जीरो है सो दिस इज टू टू दी पावर जीरो दैट कम्स आउट वन इट मीन्स एम सेट का जो पावर सेट होगा उसमें आपके कितने एलिमेंट होंगे वन होंगे कैसे डिफाइन करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर सो अगर हम यहाँ पर एम सेट का पावर सेट डिफाइन करें सो दैट कम्स आउट टी एज इक्वल टू ये आपका यहाँ पर सेट के लिए नोटेशन हो गया और इस सेट के लिए आपका एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर ज़ीरो क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो जीरो है लेकिन हमने अभी आपको बताया था कि जो आपका एम सेट होता है वो किसी भी सेट का क्या होता है सब सेट तो हम यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे लाइक दिस वन तो अगर हम यहाँ पर देखें ये नोटेशन आपका एग्जिस्ट नहीं करता है हमने आपको बताया था जब हम एम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे तो देखने में हमें क्या लगेगा कि हमने रॉन्ग लिखा है बट यहाँ पर ये नोटेशन एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है दिस नोटेशन इज फॉर पावर सेट तो ये नोटेशन केवल आपका पावर सेट के, के केस में ही वैलिड होगा अगर हम सिंपल सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही दिस वन इज द नोटेशन ऑफ एम टी सेट दिस वन इज़ ऑल्सो द नोटेशन ऑफ एम टी सेट दोनों को हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं लेकिन हम इसको पावर सेट के, के केस में डिफाइन कर सकते हैं तो कभी कभी हमसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स पूछ लिया जाता है कि वेदर दिस वन नोटेशन इज करेक्ट और नॉट तो ये नोटेशन करेक्ट है बट इन द केस ऑफ पावर सेट नॉट इन द केस ऑफ़ सेट हम इसको एज ए सेट रिप्रजेंट नहीं कर सकते हैं लेकिन ये आपका यहाँ पर एम टी सेट का पावर सेट ज़रूर डिफाइन हो सकता है तो उसको हम ध्यान रखेंगे सो so, होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे जो हमने आज दो इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडर करे हैं सो so, अगर आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे हैं सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए सो इन फर्दर वीडियो वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस बेस्ड ऑन सेट